हाय दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं रोस्टेड चना, जिसके लिए ये देखिए हमारा चना है। इतने सारे ये चने को हम लोग आज भूनेंगे। तो इसके लिए हमें करना क्या है, इस घास को लेना है ऐसे इस तरह से हम इसे रखेंगे। अब मैंने ये सारा तैयारी कर लिया है, अब मैं इसमें लगाऊंगी आग। ये इसे ऐसे हम इसके नीचे डालेंगे। अब मैं इसे माचिस से आग लगाऊंगी। मैच बॉक्स, थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है, देखते हैं ये जलता है। तो गाइस देखिए, ये आग लग गई है। अभी हमारा चना रोस्ट होएगा और हवा भी चल रही है। ये देखिए रोस्ट होते जा रहा है, भूनते जा रहा है। ये अब इतना ये भून चुका है, अब इसे हम सूप में लेके फटकेंगे। ये दोस्तों हमारा चना भून चुका है, हरभरा, इसे हम हरभरा भी कहते हैं, इसे होरहा भी कहते हैं। आप लोग क्या कहते हैं प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसे हम मिर्च लहसुन की चटनी के साथ खाएंगे, बहुत खाने में स्वादिष्ट लगता है। तो ये दोस्तों ये देखिए हमारा हो रहा,
आई होप आप सबको पसंद आया होगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये कहिए, ये ऐसे इसमें दाने रहते, देखिए मेरा हाथ पूरा काला हो चुका है। ये देखिए, इसे इस चटनी के साथ खाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी खाइए और पराह का मज़ा लीजिए। तो बाय।